जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील डॉक्टर एपी सिंह जी अररिया पहुंचे हैं यहाँ पर आरती छोटू मामले को लेकर के, तो यहाँ पर आरती बैठी हुई है, इनसे जानते हैं कि आखिर जिस प्रकार से वो यहाँ पहुंचे हैं और इनको आश्वासन दिया है, तो इन पर इसकी क्या प्रतिक्रिया है। आप बताएं कि आपको जिस प्रकार से आश्वासन दिया गया है डॉक्टर एपी सिंह की तरफ से, क्या कहेंगे, क्या संतुष्ट हैं आप, क्या कहना चाहते हैं? तो इस केस की बात करिए करें तो सात नामजद आरोपी अभी जेल जा चुके हैं, बाकी के दो बाहर बचे हैं। तो ऑलमोस्ट आप कहेंगे तो वन तिहाई से ज़्यादा लोग, दो तिहाई से ज़्यादा लोग जेल जा चुके हैं, फिर भी आपको ऐसा क्यों लगता है कि कहीं ना कहीं इंसाफ नहीं मिल रहा है? आजकल देखते हैं कि आपका कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर दौड़ रहा है ब्लॉग के तौर पर, तो क्या आपने खुद बनाया था, किसी ने बनवाया था, कैसे काम ने मतलब किया वो चीज़? इसलिए आपने शुरू किया है, मतलब मुख्य उद्देश्य था आपका कि मतलब जो आर्थिक स्थिति सही नहीं है, तंगी ऐसी वजह सब नहीं किया शुरू ना। यहाँ के प्रशासन को लेकर क्या प्रतिक्रिया आपकी है? कर रही है। आपको किस प्रकार कोई शिकवा मिला, आपको किस प्रकार कोई दोषारोपण करना है, या किस प्रकार कोई बात करनी है उसके प्रति? अब मेरा आपसे एक सवाल रहेगा, देखिए इस देश के अंदर, इस राज्य के अंदर कई सारी घटनाएं ऐसी हैं जहां पर लड़कियां मुखर होकर अपनी बातें नहीं रखती हैं, वो बाहर नहीं निकल पाती हैं, अपने आप में समेट लेती हैं, सिमट जाती हैं, लेकिन आप पहली लड़की हैं जो इस देश के अंदर बाहर निकली हैं एक अन्याय के खिलाफ, तो इतना कुछ आपने कैसे किया, क्या वजह था?